हरी ओम फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए अपनी स्ट्रेस के साथ की पगड़ी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी पगड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस ड्रेस की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इनकी पगड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद जो ड्रेस की लुक होती है वो अलग ही है, और कान्हा जी जब इसे पहन लेते हैं तो ये इस और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। तो ये देखिए, पहनने के बाद लड्डू गोपाल जी को ये कितनी जच रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इनका मुकुट बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, मुकुट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस ले रखा है, ये देखिए। और ये देखिए, कलगी बनाने के लिए ये नेट का पीस बना लिया हुआ है। और जो हम कार्डबोर्ड को कवर करेंगे उसके लिए भी मैंने एक नेट और कॉटन का क्लॉथ लिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं इनका आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। और ये देखिए, मैं जो इसकी कलंगी बना रही हूँ वो कुछ थोड़ी सी एक ही बना रहूँगी, तो इसलिए मैंने ओनली नेट की ही बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने नेट कुछ ज़्यादा ली हुई है, ये देखिए। तो देखिए, जो कलंगी बनाने के लिए मैंने नेट का पीस लिया है 8x16 इंच, ठीक है। और यहाँ से हमने इसकी लंबाई ली है 2.5 इंच। तो इस तरह से हमने एक कलगी बनाने के लिए इस तरह से नेट का एक पीस ले लेना है। और देखिए, ये जो हम पहले हैट बनाएंगे उसके लिए मैंने एक लिया है, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया, उल्टी तरफ से फोल्ड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको 1 इंच रख लेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर हम यहाँ से इसको, ये देखिए, इसकी मैंने लंबाई ली है 5 इंच, ठीक है। ये 2.5 है ना, तो 2.5 बाई 2.5 5 इंच होगी। ये देखिए, इस तरह से 5.5 इंच है, ये देखिए 5.5 इंच। इस तरह से हमने इसकी लंबाई ले ली है। और यहाँ से निशान लगाकर फिर हमने यहाँ से इस तरह से इसको मिला लेना है, ठीक है। और अब हमने इस शेप को कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने इस शेप को कट कर लिया। और अब हम इसमें, ये देखिए, इसी हिसाब से मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है, नेट का और कॉटन का फैब्रिक, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे क्योंकि इसको अब हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसके ऊपर इसको रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको यहाँ से सिलाई लगा ली है, ये देखिए, इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। और इस कपड़े को हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले लेना है, जैसे कि देखिए, मैंने इसको यहाँ से, देखिए मैंने ये 3.5 इंच इस तरह से मैंने लंबा लिया हुआ है, और यहाँ से 6 इंच चौड़ा लिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। अब हमने सिलाई लगा ली, और अब हमने क्या करना है, देखिए, यहाँ से जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है, अंदर की तरफ करते हुए, ये देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ से इस कपड़े को यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे शेप देनी है। तो इतना हमने इसको फोल्ड कर लेना है जो कि इसको कार्डबोर्ड को अच्छे से कवर कर ले, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इस तरह से आपको एक सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है, और इस तरफ से भी इस तरह से लगा लेनी है। देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड होगी। और अब मैं इसके आगे फ्रंट वाली साइड में अपनी इस लेस को लगा लेती हूँ जो कि मैंने ड्रेस में यूज़ की है। तो ये देखिए, इसको मैं अब इस तरह से यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको लेस को लगा लिया है। और अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से पकड़ना है और थोड़ा सा
राउंड राउंड कर लेना है यहाँ से। और ये देखिए इस तरह से हम इसको सील लेंगे। ये देखिए सबसे पहले आप इस तरह से एक कच्चा टांका लगाकर कान्हा जी को पहनाकर देख लें, जितना आपको खुला चाहिए उतना आप इतना चेक कर लें, फिर इसके बाद इस यहाँ पर टांके को लगा दें। तो यहाँ पर मैं इतना साइज़ को टांका लगा दूँगी सुई धागे से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इस जो हमारी हैट है हमने ये बनाई है, इसको हम इस तरह से टेंट के पीस के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और एक निशान लगा लेंगे राउंड में, और इस निशान के अकॉर्डिंग अब हम इस सर्कल को कट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस सर्कल को कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस सर्कल को कट करने के बाद एक हम कॉटन का पीस लेंगे और उसको हम देखिए थोड़ा सा इससे कम ले लेंगे, हमारा ज़्यादा ले लिया है तो इसको हम देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा में थोड़ा सा कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसको यहाँ रखेंगे और ये देखिए इस तरह से रख कर एक सिलाई लगा लेंगे, या आप फेविकोल की हेल्प से इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बीच में एक सिलाई लगा लूँगी, ठीक है, और ये देखिए हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। और फिर मैं इसको सुई धागे से, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने अब इसको पहले अच्छे तरह से सुई धागे से पक्का कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से पक्का कर लेती हूँ यहाँ से। और अब हमने इसको राउंड को यहाँ पर रखना है और सुई की हेल्प से ये देखिए आप चाहे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से सुई से ही कर लेती हूँ और ये अच्छे से मजबूत और पक्का भी हो जाता है। बिल्कुल बारीक बारीक टांकों में इस तरह से इसको आप सिलते जाएं। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक, देखिए इसी तरह से अब मैं इसको पूरे राउंड को सिलती जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे सिल कर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कैप को बनाकर इस तरह से रेडी कर लिया है और अब हमने ये कलंगी बना ली है नेट की। तो इस तरह की कलंगी तो मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बता रखी है। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से इस कलंगी को रख लेंगे, ठीक है, और ये देखिए ये मैंने धागा इसी कलंगी को सीला है जो उसी में ही रहने दिया है। और अब हम इसको इस तरह से सुई धागे से इसे सील लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे और इसको अच्छे से पक्का करके सील लेते हैं। तो इसी तरह से मैं इसको अच्छे से पक्का कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको पक्का कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे पक्का कर कर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पक्का करके सी लिया है और अब मैं इसके यहाँ पर सेंटर में एक फ्लावर मैंने बना रखा है जो कि ड्रेस में बनाना बताया है, उस तरह से ये फ्लावर बनाकर अब इसको भी मैं सुई धागे से अटैच कर लूँगी इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मैं इसमें ये देखिए जो हमने ये पैचेज लगाए थे उस पैच को भी इस तरह से लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। ये देखिए ये मैंने लेस में से बीच में से फुमन से कट करके इसके कलंगी पर लगा दी है इस तरह से। और ये देखिए इस तरह की इसकी फाइनल लुक है। अब मैं इसको गोपाल जी को पहना के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ड्रेस के साथ ये पगड़ी कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पगड़ी बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग राधे कृष्णा। फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।